ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज दैट सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग विच इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अर्थात ध्यान वो परम समझ है जो सारी समझ के परे है। सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, दो शब्द ध्यान सूत्र उपयोग करता है, परम समझ और समझ। परम समझ समझ से परे है ऐसा सूत्र कहता है। ये भिन्नता हमको भेद इसलिए रखना पड़ता है इसको समझने के लिए कि जिसे हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं वो हमारी सीमाओं से भरी है, और जो सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है वो सीमाओं से परे की है। अर्थात वो सीमाओं को गिरा देने की एक प्रक्रिया है। अभी हम अपनी सीमाओं के साथ बहुत कुछ समझते हैं, और कई बार लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर उसके आगे कोई और तल खुल जाता है। वहाँ पर हमको लगता है कि हमने समझा, उसके आगे समझने को कुछ और शेष रह जाता है। परम समझ जिसको हम कहते हैं सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, उसके पार समझने को फिर कुछ शेष नहीं रहता। अर्थात जो संशय हैं वो वहाँ पर समाप्त हो चुके होते हैं। जो मनुष्य के भीतर का द्वंद्व है वो समाप्त हो चुका होता है। उसकी जो समझ है वो सारी सीमाओं से मुक्त एक अनूठी स्पष्टता से भर गई होती है, जिसमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। जो है जैसा है बस उसको वैसा ही देखा और समझा जा रहा है। ध्यान वही परम समझ है। सूत्र कह रहा है कि ध्यान भी अगर हमको सीमित बना दे, ध्यान भी अगर हमारे लिए कोई पूर्वाग्रह बन जाए, तो फिर वो ध्यान नहीं रह गया, और जो समझ आएगी वो भी फिर परम समझ नहीं रह गई, सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई। समझ तो आती है, समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आती लोगों को। जो जैसे जिस तल पर है उस तल की बात समझ लेता है। तुम कोई पुस्तक भी पढ़ो तो एक बड़ी रोचक सी बात सामने आएगी। एक पुस्तक पढ़कर व्यक्ति क्या वही समझता है जो वास्तविक उसमें बात कही गई है, या कि वो वही समझता है जो उस समय उसके समझने का तल या स्तर होता है। और वास्तविकता यही है कि व्यक्ति अपनी समझ के स्तर के अनुसार ही हर चीज़ को समझता है। कोई भी बात कही गई हो, छोटी हो बड़ी हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति की समझ का एक तल है, उसी से वो समझेगा। लेकिन ये तल एक बदलती हुई प्रक्रिया है। ध्यान हमको उस आयाम में ले जाने का आयोजन होता है जब हम अपनी समझ के इन सारे तलों को पार कर जाएं, और हम उस जगह पर ठहरें जहाँ पर अब हम किसी सीमा या पूर्वाग्रह से नहीं बंधें, और हम किसी विशेष परिभाषा या मान्यता के अनुसार कुछ नहीं समझ रहे हैं। बस एक स्पष्ट निष्कलुष जिसको कहते हैं वो समझ हमारे ऊपर अवतरित हो रही है, और यहीं पर जीवन के रहस्य उद्घाटित होते हैं। परम समझ जिसको हम कहते हैं उसी में जीवन के रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। व्यक्ति जिस सत्य की तलाश में है उसके जो रहस्य हैं वो इसी परम समझ में हमारे भीतर घटते हैं। ध्यान को इसीलिए सूत्र ने कहा है कि वो एक सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है, परम समझ है। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा ध्यानी न किसी संप्रदाय का हिस्सा होगा, ऐसा ध्यानी न किसी धर्म का हिस्सा होगा। वो किसी किताब, व्यक्ति, व्यवस्था, विचार, मान्यता, विश्वास में सीमित नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब कुछ को समाहित कर लेगा, वो ऑल इंक्लूसिव होगा। परम समझ में सब कुछ शामिल हो जाता है, कुछ भी उससे बाहर नहीं छूटता। जब कुछ भी बाहर नहीं छूटता तो इस अस्तित्व का जो भी सारभूत है वो हमारे लिए प्रकट होता है और जीवन उससे आगे चलता है। परम समझ में स्थित व्यक्ति
इतना सहज हो चुका होता है कि उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे अगर हमको कुछ समझने की ज़रूरत हो तो उसको हम अंडरस्टैंडिंग ही कहेंगे, समझ, और परम समझ समझने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए बात कहूँ, मैं बोलता हूँ तो ये बोलना क्या है? क्या मैं किसी ज्ञान से बोलता हूँ? क्या किसी समझ से? शायद नहीं, क्योंकि बोला जाता है, बोलना घटता है। मुझे भी नहीं पता होता क्या बोला जाएगा। कोई शब्द टकराया, कोई सूत्र आया, किसी ने कुछ पूछा और एक बस सहज प्रत्युत्तर अस्तित्व के माध्यम से घटता है। सुनने वाले को लगता है कि बहुत ही स्पष्ट, संतुलित, सुलझी हुई बात हमारे सुनने में आई। लेकिन क्या ये किसी चिंतन प्रक्रिया से आई या किसी समझ से आई? नहीं, ये एक सहज घटना है। ये इतनी ही सहज घटना है जैसे हवा गुजरे और पत्ते हिले, जैसे तुम नदी में कंकड़ फेंको और तरंगे उठ जाए, ऐसे। तो परम समझ ऐसा ही जीवन के प्रति एक सहज प्रत्युत्तर का ढंग हमको उपलब्ध कराती है। तो जब हम ध्यान की उस सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग में, परम समझ में स्थित हो जाते हैं, तो हम कुछ समझने की चेष्टा नहीं करते और हमारी समझ में सब कुछ आता है। जीवन जैसी परिस्थिति हमारे सामने लाता है, हम उसका सहज, सटीक और एक सुलझा हुआ प्रत्युत्तर दे पाते हैं, और वही जीवन में देखा जाए गहरा समाधान लाने का घटनाक्रम भी होता है। और जिस जीवन में एक सहज समाधान आ चुका हो, वही जीवन सहज समाधि का जीवन भी बनता है। तो ध्यान की परम समझ जीवन के सहज प्रत्युत्तर, सहज समाधान में ले जाती है, और वही सहज समाधि की अवस्था बन जाती है।